अजरबैजान ये मानेगा कि जो भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करें अनफ्रेंडली स्टेप, यार अगर अनफ्रेंडली स्टेप है तो तुम क्या कर लोगे, तुम ये बताओ। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, उनके एक कैपिटल की सिडनी की बात करें, तो वहां पर एक ऑटोमेटिक ट्रेन है जो कि इंडिया दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को, और उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, और वो ऑटोमेटिक है, यानी खुद रुकेगी, चलेगी, स्टॉप होगी, व्हाटएवर जो भी करना होगा, ड्राइवर नहीं होगा उसमें। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च की गई, जो कि मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत आंध्र प्रदेश में बनाई गई। अब इनको दुख हो रहा है, अभी कह रहे हैं कि क्यों आप आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं, आपने पिनाका रॉकेट दे दिया। जो पाकिस्तान का जो कौंसलेट जनरल है चेंगडू चाइना में, वहां पे जनाब हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। कभी हम सऊदी अरब जाते हैं, कभी हम यूएस जाते हैं, कभी हम किसी और मुल्क को फोन करते हैं, कभी किसी मुल्क के एम्बेसडर को बुला के बंद कमरे में उसकी मिनते भी करते हैं, खुदा का वास्ता करो डिफॉल्ट हो तो बचा लो, दिस इज हैपनिंग। पाकिस्तान की हालात जो है वो बदते बदतर है। हाँ, बीच बीच में कोई कोई गर्म खून वाला आ जाता है, पैर हिलाते हिलाते लड़खड़ाई हुई उर्दू बोलते बोलते कि हमारे मरने के लिए बॉम्बे हम उड़ाएंगे। ये पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान की ये जो कौंसुलेट है, इन्हीं के क्यों होते हैं, हमने कभी और तो किसी का सुना नहीं है। बहुत हमने शराफत से, इज्जत से बात कर ली, पर ऐसे ऐसे चीफ प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान जो हरकत करते हैं, अभी तक उनका जवानी का खरक नहीं उतरा है, तो ऐसे लोगों को ऐसी जुबान से ही समझाया जाता है। चाइना आपको इन्वेस्टमेंट एज इस तरह दे रहा है कि वो आपको कर्जा दे रहा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अब होता है कुछ इस तरह का है कि वो हमें कर्जे पे दे रहा है, कर्जा कुछ इस तरह दे रहा है कि अगर हमने 100 साल के अंदर उनकी किस्तें या उनकी पूरी की पूरी पेमेंट हम ना दे सके, तो पाकिस्तान में जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवादर पोर्ट हो गया, जितनी भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो सारा का सारा चाइना की मलकियत हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि आप खास वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने सुना था कि बिलावल कह रहा है कि हिंदुस्तान ने कहा है कि खोपड़ा का कीमत 2 करोड़ रुपए लग रहा है। अरे मुझसे पूछ लेता, मैंने लाइव नेशनल न्यूज पर कहा है कि भाई 2 चवन्नी में तू मैं उसके खोपड़ा एडिट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू द सुखोई, अब इसमें मिसाइल्स हैं काफी, ये रशियन नहीं है, ये इंडियन है, हमने उनको और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना दिया। इसलिए आर्मेनिया क्या है, थोड़ा सा वो इस चीज से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है और कह रहा है इंडिया से, और इंडिया ने आर्मेनिया को बड़ा हेल्प भी, वो पिनाका रॉकेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल और दुनिया भर की चीजें जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई हजारों करोड़ों के ऑर्डर्स हैं, तो हम कर रहे हैं। आर्मेनिया को भी रीचिंग आउट, आर्मेनिया की अजरबैजान से नहीं बनती, आर्मेनिया की तुर्की से नहीं बनती, तुर्की वही मुल्क है जो कश्मीर 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 बनेगा पाकिस्तान, काफी वो मतलब ना गाने गुने गाता है। तो इससे क्या है कि अजरबैजान दुखी हो गया, अजरबैजान दुखी हो गया, और ये अजेरी या अजरबैजानी टेलीविजन चैनल पे प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान इलहम अलीयेव, जिसका नाम है इलहम अलीयेव, इसने बोला है कि हम ये मानेंगे कि ये अनफ्रेंडली स्टेप है। अजरबैजान ये मानेगा कि जो भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करें अनफ्रेंडली स्टेप, यार अगर अनफ्रेंडली स्टेप है तो तुम क्या कर लोगे, तुम ये बताओ। लेट मी वेरी ब्लंट यार, क्यों हम ये है डिप्लोमेसी में, हम तो डिप्लोमेट है नहीं, ठीक है, हमें तो इतनी तमीज है नहीं यार, हम तो ब्लंट बात करते हैं, तो तुम क्या कर लोगे यार, अगर अनफ्रेंडली स्टेप तो अटैक करोगे हमारे ऊपर, तुर्की अटैक कर देगा हमारे ऊपर, हम लोग चुपचाप बैठे थे, तुम ही लोग इस्लामिक उम्मा को सब कुछ सपोर्ट करना चाहिए, कश्मीर को कश्मीर कश्मीर, अजरबैजान ने भी कुंकू करी, तुर्की ने भी बहु करी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला फिर, आप क्या सोचते हो, ये हम नहीं कर सकते, आप क्या सोचते हो गंगा जी ऐसी बहती हैं, नहीं भाई गंगा जी ऐसी भी बहती हैं, अगर हम चाहें तो ऐसे भी बहेंगे। अब इनको दुख हो रहा है, अभी कह रहे हैं कि क्यों आप आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं, आपने पिनाका रॉकेट दे दी, पिनाका मुझे एक दो लोगों ने ये भी पूछा कि पिनाका का मतलब क्या है और जो रॉकेट सिस्टम्स हैं ये कौन से कंट्री का। देखिए, ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इनिशियली आए थे रशिया से आए थे, ठीक है, ग्रैडबी वगैरह जो भी थे, तो MBRLs बोलते हैं हम लोगों को, तो वो रशिया से आए थे, फिर इंडिया ने पिनाका बनाया अपना एक्सटेंडेड रेंज और गजब की टेक्नोलॉजी, और अब पिनाका है ज्यादातर भारत में, पिनाका भोले शंकर का जो धनुष है ना, महादेव का जो धनुष है उसको पिनाका बोलते, उनका नाम पिनाका है, तो शिव जी के धनुष के ऊपर इस हथियार का नाम दे रखा है जिसका नाम है पिनाका। तो दोस्तों ये हमने दिया तो अजरबैजान काफी अपसेट है इस चीज को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च की गई, जो कि मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत आंध्र प्रदेश में बनाई गई। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन या टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें इंडिया की, तो इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जाना माना है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन में कोई एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिस पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा हो।
मैम हो नहीं सकता क्योंकि इस वक्त मोर देन 50% हमारे पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 60% पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा है। इंडिया में आज तक एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह था कि पाकिस्तान में जो से प्राइम मिनिस्टर है वो ऑलमोस्ट 30 to 35 चेंज हुए हैं और जो से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो सिर्फ 15 चेंज हुए हैं। और यही अगर हम इंडिया के साथ कंपेरिजन करें, इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां पर बेसिकली जो आपकी आर्मी होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स या फ्लॉज कुछ ऐसे हैं कि हम उस चीज से ओवरकम ही नहीं कर पा रहे। बेसिकली अच्छा बात हम आ जाते हैं कि मार्शल लॉ लगने से मुल्क को क्या होता है। मार्शल लॉ लगने से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब आपकी बंद होगी तो इन शॉर्ट आप जो मुल्क अपने मुल्क में जो चीजें बना रहे हैं, जो आपकी रोजमर्रा की चीजें, वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में एक बड़ी मेजर सी मैं मिसाल देता हूँ, उससे क्या ना चाइना आपको इन्वेस्टमेंट एज अ इस तरह दे रहा है कि वो आपको कर्जा दे रहा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब होता है कुछ इस तरह का है कि वो हमें